नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बच्चों, आप ही के जैसे एक प्यारा बच्चा है राजू, जिसका जन्मदिन था। राजू मोहल्ले के सभी दोस्तों को अपने जन्मदिन पर बुलाया। उसके स्कूल का एक दोस्त जो दूसरे मोहल्ले में रहता है, राजू ने उसे फोन पर अपने घर आने का निमंत्रण दिया। राजू का दोस्त का नाम है मोहन। मोहन ने कहा, राजू मैं तुम्हारे घर कभी आया नहीं, अगर स्कूल से तुम्हारे घर पहुंचने का रास्ता मुझे बता दोगे तो मैं आ जाऊंगा। राजू ने मोहन को स्कूल से अपने घर तक का रास्ता बताया। चलिए देखते हैं कैसे बताया। स्कूल से सीधे सीधे आने पर एक चौक मिलेगा, जिसका नाम है एकता चौक। चौक से सीधे सीधे आने पर आपको कुआं दिखाई देगा। वहाँ पर से आपको दाएं मुड़ना है। बहुत से घर हैं, जिसमें से दूसरा नंबर का घर मेरा है। इस तरीके से राजू ने मोहन को बताया। मोहन ने राजू के बताए अनुसार नक्शा बनाकर आसानी से उसके घर पहुँच गया। राजू ने अपने सभी मित्रों के साथ धूमधाम से जन्मदिन मनाया। बच्चों, कुछ समझे? मोहन राजू के घर कैसे आसानी से पहुंच गया? नक्शा के माध्यम से। हमारा पाठ भी आज का यही है, कक्षा 3 विषय पर्यावरण अध्ययन, पाठ 23 आओ नक्शा बनाएं। बच्चों, आपने कई तरह तरह के नक्शे देखे होंगे, जैसे भारत का नक्शा, छत्तीसगढ़ का नक्शा, घर का नक्शा, गांव का नक्शा। उसी में से आज हम पढ़ते हैं नजरी नक्शा के बारे में। बच्चों, आपके मन में एक प्रश्न आया होगा कि नजरी नक्शा किसे कहते हैं? नजरी नक्शा वह नक्शा है जिसे हम अनुमान से बनाते हैं। इसमें कोई विशेष माप या गणना की आवश्यकता नहीं होती। इसे सरलता से समझने के लिए संकेतों का प्रयोग करते हैं। संकेतों से पहले हमें दिशाओं का ज्ञान होना भी आवश्यक है। बच्चों, दिशाएं मुख्यतः 4 प्रकार की होती है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। बच्चों, आप सुबह सूर्य की तरह मुंह करके खड़े हैं, इसका अर्थ यह हुआ कि आप पूर्व दिशा की ओर मुंह करके खड़े हैं, तो आपका पीठ पश्चिम दिशा की ओर होगा, आपका दायां हाथ दक्षिण दिशा की ओर और बायां उत्तर दिशा की ओर। यदि आप एक दिशा की जानकारी प्राप्त कर लेते हैं तो बाकी दिशाएं आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। बच्चों, अब देखते हैं कुछ संकेत चिन्ह। नजरी नक्शा के लिए संकेतों की जानकारी भी बहुत अधिक आवश्यक है। चिन्ह कुछ इस प्रकार से हैं, घर, पेड़, डाकघर, पुल, मंदिर, नदी, रेड क्रॉस संस्था, तालाब, कुआं आदि। जो अब देखते हैं इन संकेत चिन्हों के माध्यम से प्रशांत अपने घर से डाकघर कैसे पहुंचता है। प्रशांत अपने घर से निकलकर रास्ते पर आगे बढ़ा। कुछ ही कदम चलने पर दाएं हाथ की ओर उसे कुआं दिखाई दिया। फिर आगे बढ़ा और बाएं हाथ की ओर उसे रेड क्रॉस संस्था दिखाई दी। सामने ही कुछ कदम चलते ही उसे एक मंदिर दिखाई दी। मंदिर के सामने 2 राहें हैं, एक राहें पुल की ओर जाती हैं, दूसरा राहें डाकघर की ओर। प्रशांत डाकघर वाले रास्ते में आगे बढ़ा। कुछ ही कदम चलते ही उसे तालाब दिखाई दिया। तालाब से आगे बढ़ते ही उसे फिर 2 राहें मिली, एक पुल की ओर जाती है और दूसरा डाकघर की ओर। प्रशांत ने डाकघर वाला रास्ता चुना। इस तरह प्रशांत अपने घर से डाकघर नजरी नक्शे की सहायता से पहुंच गया। प्रशांत को अपने घर से डाकघर जाने के रास्ते में क्या क्या मिलेगा? प्रशांत को अपने घर से डाकघर जाने के रास्ते में रेड क्रॉस संस्था, पेड़, मंदिर, पुल, तालाब आदि मिलेगी। आइए देखते हैं नजरी नक्शा का उपयोग। सरकारी कामों में नजरी नक्शा सर्वे के काम आता है। चुनाव में वार्ड का सीमांकन भी नजरी नक्शे की सहायता से करते हैं और जनगणना में नजरी नक्शा बहुत मदद करती है। बच्चों, यदि सर्वेक्षण या गणना के समय पहले गांव का नजरी नक्शा बना लिया जाए तो घर छूटने की संभावनाएं बहुत कम हो जाती हैं। बच्चों, इस पाठ से हमने सीखा तरह तरह के नक्शे को जाना, नजरी नक्शा बनाना सीखा,
नजरी नक्शा बनाने में उपयोग होने वाले संकेतों को जाना, नजरी नक्शा के महत्व को समझा। बच्चों चलिए अभ्यास के कुछ प्रश्न देखते हैं। जैसे नजरी नक्शा क्यों बनाया जाता है? चित्र बनाने के लिए, जगह ढूंढने के लिए, रंग भरने के लिए, घर बनाने के लिए। बच्चों जगह ढूंढने के लिए नजरी नक्शा बनाया जाता है। बच्चों आप चित्र देख रहे हैं ना, यह संकेत किसका है? घर का, मंदिर का, डाकघर का, अस्पताल का। बिल्कुल सही, यह संकेत घर का है। मुख्यतः दिशाएं कितनी होती हैं? 1, 3, 4 या 2? बच्चों मुख्यतः दिशाएं 4 प्रकार की होती हैं। अगला है, हम किसी नई जगह किसकी मदद से पहुंचते हैं? नक्शा, दूरी पता करके, पुस्तक या फिर टिकट। बिल्कुल सही, नक्शा की मदद से हम किसी नई जगह पहुंच सकते हैं। बच्चों आप देख रहे हैं ना चित्र में, इनमें से कौन सा संकेत चिन्ह नदी का है? आ की बा या सा या फिर दा वाला? बिल्कुल सही, सा वाला। सा वाला चित्र नदी का है। बच्चों अब कुछ गृह कार्य है जिसे आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। प्रश्न पहला है, अपने घर से शाला पहुंचने तक के रास्ते का नजरी नक्शा बनाओ। प्रश्न दूसरा है, विभिन्न आकृतियों का प्रयोग करते हुए मोर, चिड़िया, गुड़िया आदि का चित्र बनाइए। प्रश्न तीसरा है, बच्चों आपने स्केल का प्रयोग तो किया ही है, तो आपको इस स्केल की सहायता से अपनी पर्यावरण पुस्तक की लंबाई, चौड़ाई और मोटाई की माप करके आपको अपनी पुस्तक में लिखना है। तो बच्चों आज यहीं तक, अगली कक्षा में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।